सुब्रत राय, अब तुम्हारे दिन लद गए, गए तुम्हारे दिन। जब तक लोगों ने तुमको भगवान समझा था तब तक तुम्हारी पूजा किया था, जब तुम्हारी हकीकत जान गया तो रावण की तरह तुम्हारा वध हो जाएगा। जहाँ औरत लोग बाहर निकल गई तो चंडी का रूप धर लेगी, जब हम लोग करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी सरकार हो, झारखंड सरकार हो, मोदी सरकार हो, कोई सरकार नहीं रोक सकता है। सीधा पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे। आज हम लोग का फ्यूचर कुछ सब अंधेरे में चला गया। इस सरकार को, वर्तमान सरकार को फिर सत्ता से निकाल देंगे। कस्टमर के लिए मैं लड़ूंगा और मारूंगा भी। जितने जमा करता और कार्यकर्ता अगर उग्र हो गए और रोड पे आ गए तो मोदी जी हो, चाहे अमित जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, कोई रोक नहीं पाएगा। धमकी दे रहे हैं और कितने भाई बहन लोगों को काट रहे हैं रोड पर। जो भी लोग सहारा इंडिया में निवेश किए हैं वैसे लोगों की पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में प्रतिदिन अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन हो रहा है कि आखिरकार पैसा उनका कब मिलेगा। कई गरीब लोग अपना जान भी दे रहे हैं। जो भी लोग सहारा में निवेश किए हैं लगातार परेशान हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। सब सारे लोगों की उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई है क्योंकि सारा का सारा जिम्मा आज सुप्रीम कोर्ट लिया हुआ है। वहीं आज रांची का राजभवन के समक्ष भी निवेशकों और कर्मचारियों ने धरना दिया। इन लोगों का कहना था कि अब हमारी पैसा नहीं मिलेंगे तो हम आत्मदाह भी करेंगे। देखिए, देश भर में सहारा पीड़ितों का आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज झारखंड की राजधानी रांची में हम सारे लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले यहाँ के प्रभारी नागेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रभात कुमार जी प्रदेश के अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में हम सब लोग आज झारखंड में ये अपने आंदोलन को तय कर रहे हैं और आज ये तय किया है, संकल्प लिए हैं कि एक भी कार्यकर्ता और एक भी जमाकर्ता आप घर पे नहीं बैठेगा, अपने पैसे की मांग के लिए सड़कों पे उतरकर सरकार से मांग करेगा। क्योंकि सरकार ने सुब्रत राय और कंपनी को जो कूट रची साजिश करके पैसा हड़प रहे हैं उनको लाइसेंस जारी किया था। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर आज है कि देश भर के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं का सम्मान भी जा रहा है और पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सुब्रत राय के ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए उसको अविलंब गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके जो कूटरचित साजिश करके वो पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से, चाहे जिस तरीके का अपनाना पड़े, सारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ सरकार वो एक्शन ले और देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं का पैसा वापस कराए। ये देश की सरकार को भी बताना चाह रहे हैं और सुब्रत राय को भी बताना चाह रहे हैं। सुब्रत राय, अब तुम्हारे दिन लद गए, गए तुम्हारे दिन। जब तक लोगों ने तुमको भगवान समझा था तब तक तुम्हारी पूजा किया था, जब तुम्हारी हकीकत जान गया तो रावण की तरह तुम्हारा वध हो जाएगा और रावण की तरह तुम्हारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। बोल रहे हैं हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, सरकार को जैसे बैठा सकते हैं वैसे उखाड़ भी सकते हैं। समझे, हम लोग जितना तकलीफ में है सरकार को नजर नहीं आ रहा, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, अब तो नहीं चलेगा। जहां औरत लोग बाहर निकल गई तो चंडी का रूप धर लेगी, इसलिए अब सरकार संभल जाए और सामने से आकर के जो भी करना है सामने आकर के करे, और नहीं तो फिर जब हम लोग करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। कंपनी के मालिक जो सुब्रत राय जैसे हैं वो चाह रहे कि हम पैसा किसी कार्यकर्ता जमाकर्ता का ना दे, ये 15 साल से खेला खेल रहा है, है ना। लेकिन उन वो गलत फहमी में चल रहे हैं क्योंकि अभी जितने जमाकर्ता और कार्यकर्ता अगर उग्र हो गए और रोड पे आ गए तो मोदी जी हो, चाहे अमित जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये होगा रांची में और झारखंड में खासकर होगा, होगा तो पूरे भारत में, पूरे भारत में होगा। ये धनबाद के रणदीप वर्मा चौक पर धरना है और हम लोग सब जो निवेदन है कि सब पहुँचे और सरकार को मैसेज जाए आगे तक कि किसी भी क्षण हम लोग कोई भी कदम ले सकते हैं। जब सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। हम विधवा औरत है, हम सब्जी बेचते हैं, लेबर काम करते हैं, मेरा 3 बच्चा है और मेरा भाई एजेंट था और मेरा भाई को हम विश्वास करके पैसा जमा किए। आज मेरा बाड़ी है, आज 22 साल का मेरा बेटी हो गई, आज हमको भी करना है। मेरा सब करने के चक्कर में पौरे मेरा शादी ठीक गया था,
और पैसा का चक्कर में आज देंगे कल देंगे कह के मेरा पैसा नहीं मिला रहा है, तो मेरा शादी टूट जा रहा है और मेरा भाई हो के भी दिला नहीं सक रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें आप ही लोग बता दीजिए हमको। हम इतना गरीब आदमी है कि मेरा खेत बाड़ी भी नहीं है कि हम बेच के बेटी को शादी ब्याह करें। देखिए पब्लिक है सब कोई गरीब है, केव अमीर नहीं है, के रोडे में भीख मांग रहा है, केकरो मने घर में नहीं है जमा करके रखल, किरी किरी जमा करके जमा किया है, अब कुछ ना चाहिए सरकार के हमको अगर है हमको आपस पैसा हमको दे दे। देखिए हम लोग लगभग 20 वर्षों से सहारा इंडिया में काम किए, ठीक है, एक एक रुपया दो दो रुपया पाँच पाँच रुपया करके जो है आज कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिए, ठीक है। आज जो है 22 साल काम करने के बाद हमारे कार्यकर्ता आज सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, जब गरीब जनता का आप पैसा लिए तो आपका देने का अधिकार है। आज जो है जो इसके जमाकर्ता लोग हैं आज एजेंट को इस हद तक परेशान कर दिया कि वो भाई लोग सुसाइड कर रहे हैं, बतलाइए। आज धमकी दिया जा रहा है कि तुम बाहर निकलो हम तुमको काट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तुम लिए हो पैसा तुम वापस करो। आज हमारे कार्यकर्ता बंधु लोग कहाँ से पैसा वापस करेंगे, चूंकि कहाँ से वापस कर सकते हैं, चूंकि ये पैसा जो है कंपनी को दिए हैं, कंपनी का सर्टिफिकेट दिए हैं, बॉन्ड पेपर दिए हैं, पासबुक दिए हैं, रसीद दिए हैं, और आज जो है लोगों के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप पैसा दीजिए। आज हमारे कार्यकर्ता बंधु भाई बहन लोग कहाँ से पैसा देंगे आप बतलाइए। कुमार बटो बिहार प्रदेश अध्यक्ष, आज हम लोग सब सहारा से पीड़ित है और हमारे पूरे देश में 13 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। आज सुब्रतो राय एक अकेला व्यक्ति है जो पूरे सरकार को, मीडिया को, कोर्ट को, सबको बरगला के रख दिया है। आज हम पीड़ित जनता अगर सरकार हमारी मदद न करे तो आज हम कहाँ जाए। सहारा में 10 से 12 साल काम कर चुकी, लेकिन इसमें हम लोगों को सीनियर लोग बताया गया कि इसमें उज्जवल भविष्य है, लेकिन कुछ उज्जवल भविष्य नहीं दिखा हम लोग का। आज हम लोग का फ्यूचर कुछ सब अंधेरा में चला गया। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, नारी का मान सम्मान सारा हम लोग का मिट्टी में मिल गया। आज हम लोग कदम से कदम मिला के बाहर रास्ते में निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग के ऊपर इतना प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को कि हम लोग को बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। आज हमारे बच्चों का एजुकेशन के लिए आज हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दिखाया गया कि हाँ यहाँ आइए आप लोग को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ आके कुछ मान सम्मान नहीं, सारा हम लोग का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। और आज हम लोग कहते हैं कि आज का बच्चा कल का फ्यूचर है, तो आज का बच्चा को हम लोग अगर पढ़ाई लिखाई में अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो कल का बच्चा कैसे उज्ज्वल भविष्य बन पाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।